सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल रिपेयर ज्ञान। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डबल पावर आईसी के बारे में, कि पावर आईसी जो अगर दो लगी हो, पीएमआई और पीएम नहीं, अगर पावर आईसी दो लगी हो तो उनकी क्या डिटेल्स होगी, उनकी जानकारी कैसे होगी, उनकी क्या पहचान होगी और इनकी क्या इंपॉर्टेंट वोल्टेज हमें देखने को मिल सकती है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में क्या फर्क है, डिफरेंस क्या है, तो आज हम ये जानेंगे। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन आप प्रेस करके रखें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ दो आईसियां बना रखी है, दोनों में मैं पीएम लिख दूं, दोनों पीएम है, मींस दोनों पावर आईसी है। अब इसमें से सेकेंडरी कौन सी है, फर्स्ट कौन सी है, ये दोनों हमने जानना है, सारी डिटेल्स लेंगे। तो यहाँ मैंने आईसी के नंबर ऐसे ही लिख दिए ताकि आपको एक आराम से चीज समझ में आ जाए कि मैंने ऐसे ही ले ली है, ये आईसियां नहीं है। कहीं आप सोचे कि इसी नंबर की आईसी आप ढूंढने लग गए, ऐसा नहीं होता है, ये मैंने सिर्फ इसके लिए बनाने के लिए ली है। तो चलिए अब इसको जान लेते हैं कि इसके बारे में क्या डिटेल्स है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट और सेकेंड आईसी, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी आईसी किसको कहेंगे, ये 6140 पीएम है और ये 6140 या 62 जो भी हो, लेकिन अगर उस आईसी पे एल लगा है, आप अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना तो आपको इस आईसी पे जो है एल लिखा हुआ दिखेगा। अगर इस आईसी पे एल लिखा हुआ है या इस आईसी पे, जोन सी भी आईसी पे एल लिखा हुआ है, इट मीन्स वो आपकी हो गई सेकेंडरी पावर आईसी। पीएम लिख देते हैं, सेकेंडरी पीएम, और ये आपकी हो गई प्राइमरी, ये आपकी प्राइमरी आईसी होगी और ये आपकी सेकेंडरी आईसी होगी। जिस भी आईसी पे आपको एल दिखे तो आप वो समझ जाना कि वो हमारे फोन की सेकेंडरी पावर आईसी है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि इसमें वोल्टेज कैसे काम करती है। इसमें जैसे पीएमआई होता है, सेम वैसे ही ये काम करती है, ये वाली आईसी। जैसे कि मान लीजिए पीएम में आपको चार्जिंग का इनपुट दिखेगा, है ना, इस पे लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ आपको दो इनपुट तो दिखेंगे ही दिखेंगे, जो पहली हमारी आईसी होगी मतलब प्राइमरी आईसी, उसमें चार्जिंग और वीबेट आपको दिखेगा ही दिखेगा, कि अगर मान लीजिए चार्जिंग की 5 पिने हैं तो उसमें से जो प्लस की पिन होगी उससे एक सप्लाई जरूर जाएगी, और अगर बैटरी की अगर दो, ये देखिए पिने हैं मान लीजिए, तो यहाँ से भी प्लस की एक सप्लाई तो इसमें जाएगी जाएगी। तो यहाँ से आपको पता लग गया प्राइमरी है, क्योंकि प्राइमरी आईसी में ही आपका चार्जिंग इनपुट जाता है, और प्राइमरी आईसी मतलब आपकी जो फर्स्ट आईसी है, डीसी टू डीसी भी कह सकते हैं जिसे हम लोग, काफी लोग इसे डीसी टू डीसी कन्वर्टर भी कहते हैं, लेकिन ये पीएम आईसी है, इसमें पहले ये सबसे पहले इनपुट जाएगा। लेकिन इसमें से क्या गायब हो गया है, जैसे कि पीएमआई अगर जहां लगी होती है उसमें आपको जो है, जो एक इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है लाइट का जो सेक्शन होता है वो इसमें होता है, जो आपकी पीएमआई होती है, लेकिन इसमें ये सेक्शन नहीं है। ये जो ये वाला सेक्शन लाइट और ग्राफिक का भी जो सेक्शन होता है वो इस आईसी से नहीं मिलेगा आपको, वो आपको सेकेंडरी पावर आईसी में मिलेगा। यहां से ये वाला सेक्शन हटा दिया गया है और ये सेक्शन उठा के हमारी ये एल वाली जो आईसी है, मतलब कि जो सेकेंडरी पावर आईसी है, उसमें डाल दिया गया है। तो आपको प्राइमरी की वोल्टेज आपको अच्छे से पता है कि आपको क्या देखने के लिए मिले, 5 वोल्टेज आपको देखने के लिए मिलेगी जो हमारे इसमें, क्योंकि 5 वोल्ट हमारे इससे जा रहा है, प्लस आपको 3.7 की सप्लाई भी देखने के लिए मिल सकती है इसमें। प्लस अब यहां से जो इस आईसी के लिए जो इसका सफर शुरू होता है वो हमारा होता है वीपीएच लाइन से, क्योंकि वीपीएच, क्योंकि आपको पता ही होगा डीसी टू डीसी आईसी से जो भी पावर निकलती है होती वो वी बैट ही है, लेकिन जैसे ही वी बैट इसके अंदर एंटर होती है वो निकलती है बाहर वीपीएच। सबको पता है वीपीएच को, वीपीएच में अगर शॉर्टिंग हो जाए तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इसमें चार्जिंग और वी बैट जाएगी लेकिन निकलेगी वीपीएच, और ये आईसी में सीधा निकल जाएगी जो हमारी सेकेंडरी पावर आईसी है। तो मैं एक चीज बता दूं कि ऐसा नहीं है, जो हमारी पीएमआई है वो हमारे सीपीयू वगैरह को कंट्रोल नहीं करती है, लेकिन ये करती है, ये काफी हद तक वोल्टेज उसमें प्रोवाइड करती है, चाहे वो सीपीयू हो चाहे वो एमएमसी हो, कहीं ना कहीं ये अपना इनपुट वहां देती है। सेकेंडली जो हमारी सेकेंडरी पावर आईसी है, मीन्स जो हमारी ये आईसी लगी है एल वाली, ये हमारी कुछ हमारे इसमें जैसे कि ये लगी है आईसी,
कोई भी आईसीयां हो सकती हैं, ये इसमें वोल्टेज देती है, ये भी देती है और ये भी देती है। अब आप कहेंगे कि ये भी सीपीयू के लिए काम कर रही है, ये भी सीपीयू के लिए काम कर रही है, तो चेंज किसको करना है, कैसे चेंज करना है? तो जो आपकी वीपीएच लाइन की प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना, उसमें आपको ये चेंज करनी है, ठीक है। और ये जो सेकेंडरी होती है, मीन्स आपको पता ही होगा ये वाली आईसी कौन सी होती है, जो जिसमें आपको हाफ शॉर्टिंग देखने को मिलेगी, जिसमें आपको हाफ शॉर्टिंग देखने के लिए मिल सकती है। इसके बाद वाले एरिया में आपको हाफ शॉर्टिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, इसके पहले वाले प्रॉब्लम में आपको फुल शॉर्टिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। पीएमआई के में भी सेम ही प्रॉब्लम होती है, आपकी जो पीएमआई सी होती है, जो पीएमआई जो होती है वो भी सेम यही होती है, लेकिन वो हटा के अब हमारे को देखने को, क्योंकि अब मैं आपको बता दूं, दो पावर आईसी आ रही है लेकिन तीन पावर आईसी भी आ रही है। अगर उसकी डिटेल भी आपको चाहिए ना, तो आप कमेंट जरूर करें मुझे। आज हम डबल पे बना रहे हैं, क्योंकि ये दो क्या जनरेट करती हैं। मैं आपको बता दूं कि इनकी है ना, आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगी कि मान लीजिए ये कुछ जनरेट कर रही है और इसी में घूम के वापिस वो जा रही है, ये कोई वोल्टेज जनरेट कर रही है और इसी में घूम के ये वोल्टेज वापिस जा रही है। और एक चीज जो आपको, आपने कई बार सुना होगा या ना सुना हो, बी ओ बी, ये एक वोल्टेज होती है जो हमारे फोन में, मतलब आप समझेंगे 99% खराब होती है, ये बहुत खराब होती है, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। और ये जो है इनपुट इस आईसी से इस आईसी में आता है, ये आपस में ये बोब, ये बी ओ बी बोब प्रोड्यूस करती हैं, और जो इनमें आपस में ये वोल्टेज आती है, इस पे जो आपको है 3.7 की सप्लाई देखने के लिए मिलेगी। अगर आप इसको टेस्ट करेंगे तो 3.7 की, 3.0 से लेकर 3.1 से लेकर 3.7 तक आपको इसमें वोल्टेज मिलेगी, जिससे हम कहते हैं बक एंड बूस्ट वोल्टेज। तो बी ओ बी, ये बोब वोल्टेज का मतलब होता है बक एंड बूस्ट वोल्टेज, ये आपस में एक दूसरे को प्रोवाइड करती हैं, ये इनकी जो वायर्स है आपस में मिली होती है। तो आपको यहां से तो समझ में आ गया होगा। अब ये बात करते हैं कि भाई ये पावर ऐसी लगाई क्यों हुई है, पीएमआई से भी तो काम चल जाता था। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये इसके सपोर्ट में दी गई है आईसी, क्योंकि जो हमारी पीएमआई है वो इतना काम नहीं कर पाती थी जितना ये कर सकती है और जितना ये कर सकती है। ये एक दूसरे के सपोर्ट में दी गई आईसीयां, ये इसका ये वाला काम तो कर लेती है। अगर आपको मैं एक चीज बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ प्रीवियस वीडियो में, जो हमारी पीएमआई है, अगर आपको लाइट या ग्राफिक सेक्शन की प्रॉब्लम होती है तो आप पीएमआई चेंज करेंगे, लेकिन इसमें अगर आपको इस फोन में जिसमें दो पावर आईसी लगी है, जिसमें एल वाली पावर आईसी है, उसमें आप ग्राफिक और लाइट का सेक्शन में इसको चेंज करेंगे। अगर आपकी ग्राफिक और लाइट प्रॉब्लम आ रही है फोन में, तो आप पीएमआई, जो पीएमआईसी है ये वाली, कोई सी भी नंबर हो सकता है, साथ में एल होगा, उसको आप चेंज करेंगे। इसकी फर्स्ट आईसी मतलब प्राइमरी आईसी को चेंज नहीं करेंगे। और आप इनको, अगर इनमें से कुछ आपको फोन डेड हो जाता है, देखिए इससे फोन, ये जो बोब की लाइन है, ये बक एंड बूस्ट वोल्टेज जो होती है, आपको पता होगा ये कितनी इंपॉर्टेंट होती है, हमारे पावर आईसी के आसपास सारी कॉइल्स यही लगी होती हैं। अगर ये खराब हो जाती हैं या आपका फोन डेड हो जाता है, तो आपने क्या क्या चेक करना है मैं आपको वो भी बता दूं। तो ये देखिए, जैसे कि आपको प्राइमरी वोल्टेज तो पता ही होगा कितना मिलेगा, आपको 5 वोल्ट तो मिलना ही है चार्जिंग का। तो आप सबसे पहले मैं लिख लूं यहां पर, ये देखिए चार्जिंग वोल्टेज आप चेक करेंगे, उसके बाद सेकंड आप चेक करेंगे वीबेट, फिर उसके बाद सेम ही होता है, वीबेट और वीपीएच की लाइन सेम ही होती है, बस ये इससे बाहर निकलने के बाद वीपीएच बनती है। तो इन दोनों पे सप्लाइयां आपको सेम ही मिलेगी 3.7 की, तो इसको भी लिख लेते हैं वीपीएच, तो आपने ये भी चेक करनी। चौथी है हमारी बोब, मतलब बक एंड बूस्ट वोल्टेज आपको इन दोनों पे चेक करनी है। उसके बाद हमारी जो सेकेंडरी आईसी होती है वो आपको पता ही है कितनी वोल्टेज लेती है, तो ये भी हम लिख लेते हैं। अगर आपको पावर आईसी की डिटेल नहीं पता है ना, अगर आपको ये नहीं पता है कि पावर आईसी कितनी डिटेल लेती है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं, पूरी डिटेल्स उधर मैंने दी हुई है पावर आईसी के ऊपर। ये सिर्फ डबल पावर आईसी की आज हम बात कर रहे थे, तो यहां पर भी आपको जो मेन पावर आईसी है, मींस जो आपकी सेकेंडरी पावर आईसी है, जिसपे आपको हाफ शॉर्टिंग देखने के लिए मिल सकती है, उसमें आपको 3.7 से लेकर 4.2 की वोल्टेज आपको दिखेगी।
इसके बाद ये आईसीयू में प्रोवाइड करेगी, ये भी यही करती है और ये भी यही करती है। जब इनमें बोब ये BOB जब डिवाइड होता है दोनों के अंदर, मतलब आधा इसमें चले जाता है आधा इसमें चले जाता है, तो ये दोनों मिलके सारी आईसीयू में अपना अपना थोड़ा थोड़ा वोल्टेज देती है। कि जैसे कि मान लीजिए ये हमारी दो आईसीयू हैं कोई सी भी, और इसको चाहिए 1.8 और इसको भी चाहिए 1.8, तो इसको ये प्रोवाइड कर देगी, इसको ये प्रोवाइड कर देगी, या ये प्रोवाइड कर देगी, या ये आपको इसमें से प्रोवाइड कर देगी। तो ये आपस में मिलके जो है पूरे बोर्ड को चलाती हैं, सीपीयू इनको जो है कंट्रोल करता है, और ये आपस में एक दूसरे को कंट्रोल करती हैं और सपोर्ट करती हैं। ये एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम में लगाई गई हैं, क्योंकि अब फोन में इतने फीचर्स आ गए हैं, एक पावर आईसी उसका जो बोझ है वो नहीं उठा सकती है। और पीएमआई तो अलग ही बात हो गई, वो बहुत ही लाइट आईसी होती है, उसके अंदर लाइट वगैरह के सेक्शन भी होते हैं। तो ये जो पावर आईसी है ये बहुत ही हैवी होती हैं, ये हैवी क्वांटिटी के हिसाब से लगाई जाती है, इनकी वोल्टेज अलग ही मिलेगी आपको। तो आपने इन पे ये सब वोल्टेज चेक करनी है और ये सारी लाइनें चेक करनी है, तब आप कन्फर्म होंगे कि आपकी जो पीएम है, मींस पीएम जोन सी भी आपका नंबर लगाओ वो, और एल जोन सा भी नंबर लगाओ वो एकदम ओके है। अगर आपको ये सप्लाइयाँ सारी टोटल मिल रही हैं तभी ये एकदम ओके है। बाकी इनके बाद अगर सीपीयू वगैरह की बात करें तो वो जो है आपको आपको पता होगा कितनी वोल्टेज उन पे मिलती है। अगर नहीं पता है तो आप वीडियो जाके देखें हमारे चैनल पे, वहाँ भी आपको पता लग जाएगा। लेकिन ये डबल पावर आईसी के बारे में था, मैंने सारी डिटेल्स दे दी हैं आपको। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी कि हमने क्या बताया है, ये क्या है और ये क्या है, कौन सी आईसी किस चीज़ को कंट्रोल कर रही है। ये दोनों ही सारे बोर्ड को कंट्रोल कर रही है, तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। और मैं आपसे एक बात कह दूं कि हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, आप प्लेलिस्ट में जाके सारे सॉफ्टवेयर की क्लासेस, जो मोबाइल रिपेयरिंग के सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, आपको वहां पर जाके सारे के सारे मिल जाएंगे। आप चाहे अनलॉक टूल सीखे, स्पेक्ट्रम सीखे, कोई सा भी टूल जो है उसमें सारे टूल्स दिए हुए हैं, UMT के भी और iTunes भी, सारे आप जाके वहां से सीख सकते हैं। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, प्लीज कमेंट करके जरूर जाएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।